हाँ जी, आज के मुद्दे में बाबा बोले कि मिलने जाते हैं बच्चे तो उनके लिए कुछ लेके जाना चाहिए। जिनसे मिलने जाते हैं वो बड़े आदमी हैं या छोटे आदमी हैं? है जो किसी से मिलने जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? प्यासा कुएं के पास जाता है। तो प्यासे की पूर्ति हो जाती है। तो हम जाते हैं किसी की सेवा करने के लिए, तो हम सेवाधारी हैं या जिसकी सेवा करने जाते हैं उसके राजा हैं? सेवाधारी है। तो छोटा बनकर के जाना है या बड़ा बन के जाना है? छोटा बन के जावेंगे, निरहंकारी बनकर के जावेंगे तो जिसकी सेवा करेंगे उसकी सेवा हो जाएगी। अहंकारी ज्ञानी बनकर के जावेंगे तो डिससर्विस हो जाएगी। अब जिसके पास जाते हैं तो दुनिया भी मनुष्य है, ईश्वरीय ज्ञान क्या है, मानवीय ज्ञान क्या है, देवताई ज्ञान क्या है, ये उनकी बुद्धि में नहीं है। वो अपन को भी ज्ञानी समझते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के कोई न कोई हमारे कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों से ओरण होने के लिए हमें उनके दरवाजे पर, उनके दर पर ठोकर खानी पड़ रही है। या तो हमारी मनसा की एकाग्रता इतनी मजबूत नहीं हुई है कि मन के संकल्पों के आधार पर, वाइब्रेशन की तीव्रता के आधार पर उन आत्माओं को अपने पास बुला सके। हमारे अंदर वो प्योरिटी नहीं है जो प्योरिटी के आधार पर घर बैठे बैठा ही हम यूनिटी बना ले। तो हमें भटकना पड़ता है। तो जिसके पास जाते हैं वो बेहद की सौगात को तो समझेंगे नहीं, हद की सौगात ले जावेंगे तो खुश हो जावेंगे। तो कम से कम जो हमारे ज्ञान के चित्र हैं, अच्छी किताबें हैं, वो तो ले जा सकते हैं। और हाँ जी, माता तुम्हें जगह भागी मिला था, तो माता बोला है कि आत्मा का सुचिता सुचिता या दोनों का कॉम्बिनेशन की जो माता है उनको। जिस माता को हम झूठी गीता का टाइटल दिया उसको झूठा किसने बनाया? है जिन बच्चों ने बनाया उन बच्चों के प्रभाव में हम आ गए या नहीं आ गए? जब तक ज्ञान नहीं था आ गया। बनाने वाला निमित्त कौन, किसने झूठा बनाया? जिन्होंने झूठा बनाया
वो झूठा बनाने वालों में हमारा नंबर है या नहीं है? अरे हो सकता है नहीं? हो सकता है या है? जब माँ के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दे, हमारी बात मानो, तो पति परमेश्वर हो गए ना? हो गए नहीं हो गए? आज क्या हालत है घर घर में? खुदा न खास्ता बाप अगर कहीं चला जाता है या शरीर छोड़ जाता है तो घर के बच्चे माँ को पूरा मुट्ठी में कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? है? कर लेते हैं। अच्छा बाबा, बच्चा तो बाहर घूमता है, बाहर की दुनिया की थोड़ा उसको बुद्धि है, अगर माँ अगर वो बाहर की दुनिया की बुद्धि को नहीं नहीं जानता है तो माँ कहती है तुम बाहर घूमो, माँ अपनी गोद में अपनी आँखों के सामने रखना चाहती है या बाहर घूमने देना चाहती है? बच्चा जिम्मेदारी कैसे बनेगा? 63 जन्मों में गीता का भगवान कृष्ण को माना या नहीं माना? भले गुरुओं की मत पर माना, तो हम उन गुरुओं से उन शास्त्रों से प्रभावित हुए या नहीं हुए? प्रभावित हुए तो उन गुरुओं की प्रजा बन गए कि नहीं बन गए? यथा राजा तथा प्रजा। तो जैसे गुरु लोग हैं वो दोषी हैं, शास्त्र बनाने वाले दोषी हैं। उन्होंने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया और हम उनसे प्रभावित हो गए। सारा भारत नहीं, सारी दुनिया इस बात से प्रभावित हो गई कि गीता का भगवान कृष्ण ही है। कोई की बुद्धि में नहीं आया कि कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आया है, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारा है या चक्र में आने वाला है? वो तो न्यारा है। तो हम प्रभावित हो गए, हमने भी सपोर्ट किया उन्हीं गुरुओं को। अगर हम सपोर्ट ना करते तो गुरुओं का गुरुडम खलास हो जाता। अभी भी बल ब्राह्मण है, एडवांस में है, तो हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम उन गुरुओं को समझाएं कि तुमने देखो गीता में क्या भूल की है। गीता में ढेर के ढेर श्लोक ऐसे हैं जो भगवान को निराकारी स्टेज वाला साबित करते हैं। अरे बाहर के गुरुओं को बाद में समझाएं, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जो बैठे हुए हैं गुरु बन करके, उनको तो समझा सकते हैं। अगर नहीं समझाते हैं तो पाप मोक्ष हो जाएगा। जो इतना बड़ा पाप हमारे सर के ऊपर बैठ गया है कि कृष्ण को गीता का भगवान समझ लिया, माने कृष्ण जैसे जो भी बच्चे माताओं को पैदा होते हैं वो सब माता के पति हैं, उनको कंट्रोल करना ही चाहिए माता को। कितना भारी पाप बैठ करके कमाया है।
एक भूल जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है। ब्राह्मण दुनिया के गुरु तो अपने आप तक भटकने नहीं देते हैं। बाहर की दुनिया के गुरु तुम्हारी बात सुनेंगे? उनको ही सुना लो। अच्छा, बाहर की दुनिया वाले गुरुओं को सुनवा लो। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लाल लाल चेहरा करके तुम्हें ऐसे ही भगा देंगे वाइब्रेशन से ही, बोलने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। है अपनी ऐसी स्टेज बना के समझाए, ऐसी स्थिति बना के समझाए, क्यों न एहसास होने लगे कि इनके पास जो यूनिटी है वो यूनिटी और प्योरिटी हमारे पास नहीं है। हमारा ज्ञान तो प्रैक्टिकल ज्ञान है, सिर्फ बोल बोल का ज्ञान नहीं है। हम अपने अंदर दिल झांक करके देखें कि कन्याओं माताओं का हम कितना रिगार्ड करते हैं। हम खुद ही रिगार्ड नहीं करते, खुद ही उनको बात बात में ठुकराते हैं, तिरस्कार करते हैं, नीची नजर से देखते हैं, तो दूसरों को क्या समझावेंगे? बाबा को आकर के बोलना पड़ता है कि सारी डोरी कन्याओं माताओं के हाथ में दे दो। कन्याओं माताओं के द्वारा डायरेक्शन रिले होने चाहिए। बार बार बोलना पड़ता है, माता को गुरु बनाना पड़े। प्योरिटी के मामले में कन्याओं माताओं को अगर गुरु ना बनाया तो पवित्रता हाथ नहीं आवेगी। पुरुष पुरुषों को प्योरिटी की बात नहीं सिखा सकते। अभी तक भी देखा जाता है गीता पाठशालाओं में बड़े आराम से भाई लोग पालथी मार के यूं बैठ जाएंगे क्लैरिफिकेशन देने के लिए। माताएं बैठ करके सुनने लगती है। और सारा ज्ञान का कोई पॉइंट आता है माताओं से ही पूछा जाता है, अगर वो नहीं बोल पाती तो भाई को उस समय कुछ बोलना चाहिए कि नहीं? अगर वो अगर कुछ क्लैरिफिकेशन दे या डिस्कशन करे बाबा का जो पॉइंट था, और तरीके से बोलो सीना तान की नहीं, तो वो क्या गार्ड करना होता है? हाँ हाँ, बोलो ऐसे बोलो कि बाबा ने मुरली में ऐसा बोला, बाबा ने इसका ये जवाब दिया। ऐसे जवाब ना दो कि हम ही पंडित जी हैं, हमारी बात मानो। तुमको कुछ नहीं आता है, हम हैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य। हमको अभी अभी संदली की गद्दी दे दो, ज्ञान में चलते हैं। हैं? जो लोग युगल चलते हैं। हाँ हाँ, वो चाहे युगल हो
चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, अगर युगल है और माताओं को डिसरिगार्ड करते हैं, वाचा से डिसरिगार्ड करते हैं, आंखें लाल पीली करते हैं, कोई भी तरीके से डिसरिगार्ड करते हैं, तो इससे साबित होता है कि वो अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं समझते हैं। वो पहली पढ़ाई में ही फेल है। और जगदम्बा कब शक्ति का रूप धारण करेगी? शिव को पहचानेगी तो शक्ति का रूप धारण करेगी, और शिव को नहीं पहचानेगी, मुर्दों को पहचानेगी तो शक्ति का रूप धारण करेगी या अशक्ति का रूप धारण करेगी? अशक्ति माने अबला, जो आए सोई दबोच ले। बकरी की स्टेज हो गई, जिसने भी कान पकड़ा उसी के कंट्रोल में आ गई। कलयुग में नारी अबला हो जाती है, और संगम युग याद रहे कि बाबा आया हुआ है, तो नारी सबला हो जाए। एक बाप दूसरा न कोई, हम एक बाप की मत पर चलने वाले हैं और कोई की भी बात मानने वाले नहीं है। सूर्य को प्रत्यक्ष होने से पहले उषा निकलती है और वो पहले पहले बाप को पता चलने का निमित्त होती है। और ये उषा दो आत्माओं के लिए कभी कभी मुरली में आए है, एक बड़ी मम्मी और एक छोटी मम्मा के लिए। तो बाबा क्या ये ब्रह्मा का इंटरप्रिटेशन हो सकता है? उषा का रंग कैसा होता है? आभा कहते हैं। अंधकार से टकराती है, सूर्य डायरेक्ट नहीं टकराता है अंधकार से, असुरों से। किसको निमित्त बनाता है? है असुर संगारिणी किसको बनाता है? शक्तियों को बनाता है। शक्तियों में भी नंबरवार हैं, जो वाचा के आधार पर टकराती है उसको क्या नाम दिया है? लंबी जीभ दिखाई गई है, महाकाली का रूप है। वाचा के आधार पर उसको कोई नहीं हरा सकता। बाबा पीस तो एक है लेकिन वेराइटी क्यों हो जाता है? बाबा ने बोला है धारणी अगर चेंज हो जाता है तो वेराइटी हो जाता है, अलग हो जाता है। प्रश्न फिर आप खुद ही तो जवाब दे रहे हैं। नहीं नहीं, फिर तो एक माँ का जो दो संतान होते हैं तो उसमें जो अलग आता है उसका अर्थ क्या है? आज की दुनिया में
घर घर में वैश्यालय है या नहीं है? है तो एक माँ की जो दो संतानें होंगी वो आपस में झगड़ेंगी या नहीं झगड़ेंगी? अरे आंख से भी अगर व्यभिचारिणी बनी तो गर्भावस्था में उसकी याद आती रहेगी कि नहीं आती रहेगी? है? याद आएगी। तो जो बच्चा पैदा होगा झगड़ने वाला पैदा होगा या एकाकार करने एक परिवार में एकीकरण करने वाला पैदा होगा? ये सारी प्योरिटी की बात है। गीता में ही लिखा हुआ है स्त्रियां जब प्रदूषित होती हैं तो सारे संसार में प्रदूषण फैल जाता है। प्रदूषण के कारण देवता रसोई पैदा हो जाते हैं गौ माता में। बाबा प्रश्न अदृढ़ आ गया। और सूर्य का प्रत्येक सोने पहले असुरों का सामना पहले वाचा की शक्ति करती है, फिर धारणा की शक्ति। तो नंबर बार ही तो आगे आएंगे कि मनसा पहले मजबूत हो जाएगी। जो प्यार है वो मन के अंदर पैदा होता है, वो बलवान होता है, या कर्मेंद्रियों में प्यार पैदा होता है वो बलवान होता है, वाचा में जो प्यार पैदा होता है वो बलवान होता है, जो मन के अंदर प्यार भरा हुआ है वो ही प्यार बलवान होता है, उसी से संपूर्ण विजय होती है। कर्मेंद्रियों का प्यार तो वैश्याओं में भी होता है, उनका धन का प्यार होता है, दिखावे का वाचा का प्यार होता है, मन के अंदर का प्यार नहीं होता। और बाबा ऐसे कि दिया हुआ दान अगर वापिस लें तो उसको चांडाल का जन्म मिलता है। हाँ। तो हरिश्चंद्र ने ऐसे कौन सा दान को लौटाया जिसके लिए दिया हुआ दान को लौटाया, दिया हुआ दान को वापिस लिया जिसके लिए उसको चांडाल का जन्म मिलता है? हद में तो कथा दिखाते हैं कि हरिश्चंद्र ने बोल दिया सारा राजपाट आपका गुरु जी का सब दक्षिणा में दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि आखिरी दक्षिणा हमको दो। तो अपने गुमास्तों से बोलता है चाबी लाओ खजाने की, इनको दक्षिणा दे दो। है जब दे चुका वाचा से बोल दिया मनसा से संकल्प कर दिया, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है मनुष्य के अंदर? मनसा। मन के अंदर भी अगर ईश्वरीय ज्ञान में आकर के संकल्प कर दिया कि ये हम ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे और फिर नहीं किया तो देने के बाद वापस लिया या नहीं लिया दुर्गति होगी या नहीं होगी? दुर्गति होगी। इसलिए भक्ति मार्ग में संकल्प का बड़ा महत्व है। संकल्प करते हैं तो हाथ पर जल डालते हैं, ये ज्ञान जल की बात है जो बुद्धि में डाला जाता है। बुद्ध रूपी हाथ है, इस बुद्ध रूपी हाथ में ईश्वर ने आकर के हमको ज्ञान जल डाला है और हमारी बुद्धि में जब हम ज्ञान में आते हैं तो सतोप्रधान स्टेज होती है या तमोप्रधान स्टेज होती है? है? सतोप्रधान स्टेज होती है। सतोप्रधान जब स्टेज होती है
तो अंदर से भाव आता है तन मन धन सब सब तेरा। फिर संग के रंग में आते आते एक दूसरे की बातें सुनते सुनते जब तमो प्रधान बनते हैं तो वापस करना शुरू कर देते हैं। सतो प्रधान होते हैं तो सरेंडर करते हैं, सरेंडर होते हैं, और तमो प्रधान बनते हैं तो सरेंडर पना वापस कर लेते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। शास्त्रों में हरिश्चंद्र को कौन से युग में दिखाया है? सतयुग में दिखाया। सतयुग का जो पहला राजा है सत्यवादी हरिश्चंद्र, जब उसका ही ये हाल है तो यथा राजा तथा प्रजा का ये हाल होता है। पृथ्वी है क्या? अच्छा बाबा, ये पृथ्वी का धुरी चेंज होने का अर्थ क्या है और ये कब का समय है? वेद की धुरी पृथ्वी वो जड़ है, जो जड़ पृथ्वी है उसका झुकाव दिखाया गया है। तो जो चैतन्य पृथ्वी है उसकी मन बुद्धि का भी झुकाव होता होगा या नहीं होता है? वो झुकाव अभी रंग है या राइट है? रंग है, वो राइट होना चाहिए। तो साफ सुधर जाएगा। तो उसका राइट होने का समय बता तो दिया, 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, भूल जाते। सब तो शरीर जो छोड़ने पड़ेगा। मान लीजिए बाप का महिमा है, चिंतन हम करके बाप का महिमा कोई लिखे उसको गान करे, वो क्या भक्ति अंश है? महिमा लिखे, महिमा का गायन करे, महिमा दूसरों को सुनाए और प्रैक्टिकल जीवन में सत्यानाश कर दे तो भगत हुआ कि नहीं हुआ? वो तो दूसरे स्तर जो बोले उसको तो जब नहीं करेगा उसको ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी हो गया। बाबा सूरा का बेहद कर है यार, सु बुढ़ा वालों को नींद ज्यादा आती है क्या है? अरे हंस के छोड़ दिया, आती है कि नहीं आती है? है थोड़ा थोड़ा आती है। अर्जुन का नाम है गुडाकेश, क्या नाम है? गुडाकेश। ईश माने कंट्रोलर, शासन करने वाला। काय को शासन करने वाला? निद्रा को शासन करने वाला। पांच विकारों से फिर भी मुक्ति होने लगती है। जो ज्ञानी होते हैं वो पांच विकारों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर छठा विकार आता है आलस्य निद्रा, उसमें हेल्पलेस हो जाते। इसको झाड़ू लगा दो।
है। एक बार झाड़ू नहीं लगाओ, 100 बार भी हो तो भी भगाना है। और बाबा कृष्ण का कंस बनना और राम का रावण बनना है, तो पहले कौन क्या बनेगा? पहले कृष्ण कंस बन जाएगा कि संपन्न बन जाएगा? अरे दोनों साथ ही साथ पार्ट बजाते हैं कि आगे पीछे पार्ट बजाते हैं? है फिर क्या बात? परंतु बाबा ये भी तो आया ना, शंकर छलांग मार के बैल पर बैठ जाएगा है, तो उस समय तक कृष्ण का पार्ट खत्म है। उस समय कृष्ण का पार्ट खत्म खत्म क्यों हो जाएगा? अरे बैल का पार्ट खत्म हो जाएगा तो कंट्रोल में आ जाएगा, तो खत्म कहाँ हुआ? कंस का पार्ट खत्म हो जाएगा। कंस का पार्ट खत्म हो जाएगा माने अभी कंस है, अभी राम रावण है। मुरली में आया, किसी का प्रश्न था, कृष्ण को कंस बनने की जरूरत तब है और राम को रावण बनने की जरूरत तब है जब सब हार जाएं। रावण में सबसे बड़ा रावण कौन? सारी दुनिया रावण, तो बड़े में बड़ा भी कोई होगा कि नहीं होगा? है ऐसे ही कृष्ण सबको आकृष्ट करने वाला, फिर कंस आकर्षण करने के भी तरीके अलग अलग हैं। कोई मन को खींच लेते हैं, मन को आकर्षित कर लेते हैं, दिल खींच जाता है, मन माने दिल, और कोई फिर हाथ पकड़ के जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, वो भी खींच के ले जाते हैं। तो कंस कौन सा हुआ और कृष्ण कौन सा हुआ? कौन सी एक्टिविटी कृष्ण की है और कौन सी कंस की है? हाँ, जो बलपूर्वक कार्य करे वो कंस, और जो दिल के अनुसार कार्य करे वो कृष्ण। यही राम रावण का अंतर है। बल का प्रयोग कब होगा? जब नहीं काम करेंगे तो बल का, डंडे से भूत भागते हैं क्या? दुनिया के भूत भाग जाएंगे ऐसे ही? ज्ञान सुनाते सुनाते भूत भाग जाएंगे है? बाबा सबको नैनों पर बिठा बिठा करके खींचते हैं तो सब सुधर जाएंगे है? बाबा की प्यार की दृष्टि बच्चों को खींचती है तो सब बच्चे सुधर जाएंगे उससे? नहीं सुधरेंगे, थोड़े से सुधरेंगे और ढेर के ढेर ऐसे हैं जो अनसुधरे ले रहेंगे। स्कूल में भी टीचर पढ़ाई पढ़ाता है, कोई स्टूडेंट होते हैं पहली बार पढ़ाई पढ़ाने से ही सारा ग्रास्प कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सारा वर्ष चिल्लाता रहे टीचर और उन्हें नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, तो क्या करना पड़ता है फिर? है डंडे से भूत भागते हैं, कड़ा रूप धारण करना पड़ता है। भूतों को चेंज करने के लिए भूतनाथ चाहिए,
लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, विष को मारने के लिए विष चाहिए, कोई को पीला सांप काट लेता है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो पीले सांप से ज्यादा तीखा जहर चढ़ाएंगे तब बचेगा, या सामान चढ़ा देंगे तो बच जाएगा, ज्यादा तीखा चाहिए। इसलिए बोला जब पापों की अति हो जाएगी तो अति का अंत होगा, और पापों की अति तुम बच्चे नहीं कर सकोगे, बच्चे कम पावरफुल हैं या ज्यादा पावरफुल हैं, कम पावरफुल हैं। इसलिए बोला बाप आए हैं पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए, तो अति होगी और अति का अंत हो जाएगा। बाप तो चिल्ला रहे हैं मुख से पवित्र बनो पवित्र बनो पवित्र बनो, ब्राह्मणों की दुनिया में और ज्यादा पवित्रता बढ़ रही है या घट रही है, क्या हो रहा है, ये कौन सा करिश्मा है जो बाप तो यही सिखाते हैं कि शंकर को फॉलो नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन बच्चे बाज आ रहे हैं है? बाज आ रहे हैं, ये कौन सा करिश्मा है भाई, तो अनजाने में हो जा रहा है, अनजाने में नहीं हो जा रहा है, अनजाने में नहीं हो जा रहा है, जब धर्मराज के डंडे पड़ते हैं तब सब जानकार हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, तौबा तौबा तौबा। ज्ञान में अनजान होता है कोई, अनजान अनजान कहें तो अजान करने वाले मुसलमान हैं या हिंदू हैं, देवता हैं। अगर कहें कि अनजान अजान, वो भी अल्लाह 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 करके चिल्लाते हैं, कहते हम तो अज्ञानी हैं अनजान हैं, तो ये कह देने से चल जाएगा नहीं चलेगा। सब कुछ जान बूझ करके अगर उल्टा कर्म करे तो कितना बोझा गुना चढ़ता है, है 100 गुना बोझा चढ़ता है, जान बूझ करके करते हैं तभी तो 100 गुना चढ़ता है। 63 जन्म में 1 गुना बोझा चढ़ता रहा, 1 पाप का, और संगम युग में जान बूझ करके समझ करके सारे ज्ञान की बातों को पहचान करके फिर वही पाप करते हैं तो 100 गुना बोझा चढ़ता जाता है। तो ज्यादा पापी संगम युग में बनते हैं या 63 जन्मों में बनते हैं, है संगम युग में बनते हैं, है इनका पद क्या होगा, वो नंबर वार है कि सब एक जैसे हैं, कंट्रोल करने वाले भी तो हैं। अरे ज्ञान के आधार पर कंट्रोल करने वाले हैं या नहीं है कि सब एक जैसे हैं, एक जैसे तो नहीं है, तो जो जितना करेगा उतना पाएगा, नहीं करेगा ढीला छोड़ देगा तो नहीं पाएगा।
और संगठन को मजबूत करने के लिए अभ्यर्थियों ने एक पॉइंट आया था, दूसरों की गलती को अपना गलती समझना, ये संगठन को मजबूत करना है। अरे दूसरे तो बाहर की दुनिया वाले हैं, दूसरे तो वो हैं जो हमारे दुश्मन हैं, जो ज्ञान के मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं, वो है दूसरे। हमारे परिवार वाले थोड़े ही दूसरे हैं। परिवार में भी देखना है कि किनका बाप से कनेक्शन है, बाप के संबंध के आधार पर किन किन का संबंध जुटा हुआ है, वो ही हमारे संबंधी हैं, वो ही हमारे परिवार वाले हैं। बाप से जिनका कोई कनेक्शन नहीं है और ही विरोधी देखने में आते हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं। उनके बोलते हैं उनको उठाने के लिए भगवान ने बोला जो गिरे हुए हैं उनको उठाना है ना, उनके बोलते हैं नहीं तो जो धारणा करने जो वंचित हो गए। कोई ने उठाया? कोई ने उठा करके दिखाया? जो पुराने हैं वो ही विरोधी बन के बैठते हैं। तो जो पुराने हैं उनमें ज्यादा ताकत है या जो नए नए पैदा हुए हैं उनमें ज्यादा ताकत है? पुरानों में ज्यादा ताकत है। जिनमें ज्यादा ताकत है उनको तुम क्या उठाओगे और ही लपेटे में आ जाओगे है? पहले खुद उठ जाओ, इतना उठ जाओ कि वो भागे भागे तुम्हारे पास आ जाएं। स्थिति अपनी बनाओ। बाबा ब्राह्मण परिवार में अगर कोई दिखता है वो बाबा का गलत मन चिंतन कर रहा है, गलत कर्म भी कर रहा है, तो उसको देखे चुप रह जाना चाहिए या है? उसको देखे चुप रह जाना चाहिए, देख के अनदेखा कर देना चाहिए या कुछ विरोध के बोल तो बोलनी चाहिए ना, नहीं तो वैसे करता रहेगा। एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, समझा दिया, नहीं मानता है तो फिर पीछे पड़ने से फायदा होगा नहीं होगा? बाबा को बताना है वो बात। बस बाबा को ऊपर छोड़ दो, बाबा को पोता मिल दे दो। हमने ठेका थोड़े ही लिया है सारी दुनिया का, हम ठेकेदार हैं क्या? नरक को स्वर्ग बनाने का ठेकेदार कौन है? हम आत्मा है तो नहीं है। बाबा क्लैरिफिकेशन में आया, हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप जो एक राक्षस था और जब सारी दुनिया को गड्ढे में ले जा रहा था, काशी नगरी उससे छिटक के अलग हो गए। हाँ जी बाबा, ये हिरण्यकश्यप कौन सी आत्मा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जिसकी आंख सोने की थी, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, माने सच्ची आंख से देखने वाला था, जानता था, परख शक्ति उसमें ज्यादा थी, लेकिन था राक्षस। फिर काशी नगरी कैसे छिटक गई? जानता है कि इसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा है, हम रोकना चाहेंगे तो भी नहीं रुकेगी, इसलिए अनदेखा कर दिया। काशी नगरी में तो सिर्फ एक ही आत्मा नहीं, नगर में तो है, नगरी अगर है तो एक वचन है या बहुवचन में भी आ जाता है? अरे दिल्ली नगर है या दिल्ली नगरी है, काशी नगर है या काशी नगरी है, कानपुर नगरी है, एक के नाम के ऊपर नाम है ना। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कोई एक के नाम पर नाम पड़ता है ना।
काशी का अर्थ ही है, काश्य माने तेज जिसमें भरा हुआ है, याद का तेज भरा हुआ है, याद कोई दूसरी चीज नहीं होती है, सच्चे प्यार को ही याद कहा जाता है। जहां सच्चा प्यार होता है ऑटोमेटिक याद आती है, निरंतर याद आती है, सहज याद आती है, उसका नाम पड़ता है काशी। अब ये हिरण्यक्ष कौन सी आत्मा को रिलीज किया जाता है? तीन आत्मा से बाबा को हिरण्यकश्यप कहो या हिरण्याक्ष कहो, दोनों ही भाई भाई हैं। हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, सोने के तेज वाली जो आत्माएं हैं उनके तेज को पीने वाली, उसका नाम हुआ हिरण्यकश्यप और वो है हिरण्याक्ष, सोने की आंख वाला। जो भी पवित्र आत्माएं हैं उन सबको अपवित्र बनाता है, सबको गड्ढे में ले जाता है। कुछ आत्मा ऐसी हैं जो नष्ट मोह है शुरुआत से ही, ईश्वरीय सेवा में लगी रहती है, देह और देह के संबंधों से दूर भागती है, उनके ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ता। वो काशी नगरी के वासी हो जाते हैं, काशी के वासी हुए तो खान पान में उनका दिल नहीं लगेगा, पुरुषार्थ के लिए जो मिले सो ठीक, अच्छा अच्छा पहनने करने में दिल नहीं लगेगा, सुंदर मकान मिले ऐसा दिल नहीं लगेगा, सुंदर संगी साथी मिले ऐसा दिल नहीं लगेगा। वो काशी वासी है, माना मर गए, जो मरते हैं वो कहां जाते हैं? है काशी में जाते हैं, जरूर देहवान से मरने की बात है। जब देहवान होता है तो अच्छे अच्छे सुहेने सुहेने संबंधी चाहिए, संगी साथी चाहिए, अच्छे अच्छे देह के पदार्थ चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, तो देह अभिमानी को चाहिए या आत्मा अभिमानी को चाहिए? किसे चाहिए? जरूर देह अभिमान है, इसलिए काशीवासी नहीं बनना चाहते, और देह अभिमान त्याग दिया माने मर गए। वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं, एक जैसे मरते हुए मरने वाले नहीं होते हैं। है कृष्ण वाली आत्मा सीधी आंख से ज्यादा देखती है या बाई आंख से ज्यादा देखती है? है गुण ज्यादा देखती है
या अवगुण ज्यादा देखती है, है? वो गुण ग्राहक है, उसके मुकाबले राम वाली आत्मा है अवगुणों को देखती है, गुणों को नहीं देखती है, दोनों को देखती है। अगर दोनों को नहीं देखेगी तो माला तैयार नहीं हो सकती। और ये फाइनल नहीं हो पाया क्या? मेरा नक्शा कौन हुआ पता नहीं चल रहा। वही तो तीन आत्माओं में से जो रज प्रधान तम प्रधान है वही तो अभी तो बता दिया। जो अच्छा ही अच्छा देखता है, जो अच्छा अच्छा देखेगा तो अच्छे अच्छे को हप करने के लिए देखेगा, काय के लिए देखेगा है? तो वो हप करने के लिए देखता है, अच्छे अच्छे को हप करता भी है। असल में बोला गया रुद्र मन का जो पहला मन का और जो लास्ट मन का है वो निराकार बाप का नजदीक है, वही सब से जो विजय मन का पहला मन का और लास्ट मन का तो दोनों साकार निराकार बाप का समान रूप से नजदीक है, तो कैसे बाबा वो विजय माला में ऊपर निराकार नहीं है, रुद्र माला में ऊपर कौन है? निराकार है, रुद्र है। विजय माला में डबल मणका है, मेरु कहा जाता है, क्या? पहाड़ों में एक पहाड़ का नाम सुमेरु पहाड़ है, ऐसा पहाड़ सुंदर मेरु। माला में 108 मेरु होते हैं, उनमें सुमेरु कौन है? है? अरे विजय माला में सुमेरु है या नहीं है? कौन है? नहीं, जो युगल मण का ऊपर रखा हुआ है, दो मण के कंबाइंड रखे हुए हैं सबसे ऊपर, वो ही सुमेरु है। विष्णु को कहेंगे सुमेरु, पहाड़ों में ऊंचा पहाड़ है, हाँ जी। जब राम की बारात निकलती है, शंकर की बारात निकलती है, तो आगे आगे महाकाली को दिखाते हैं, लंबी लंबी लाल लाल जीप लपलपाती हुई। हाँ, लाली माँ है। और तीन शरीर है, तीन शरीर है, हाँ शरीर तीन प्रकार के हैं, है? नाम क्या है? काम क्या है? कारण कहते हैं बाप को, सूक्ष्म शरीर है, उसमें स्थूलता नहीं है। पांच तत्वों का भी सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप नहीं है। मनसा के आधार पर सारे तत्व मौजूद हैं, स्थूल इंद्रियां नहीं है,
और स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल या सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल है? क्यों? क्योंकि वो स्थूल शरीर के मुकाबले ज्यादा सूक्ष्म है। जो चीज जितनी ज्यादा सूक्ष्म होगी उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। सूक्ष्म शरीर वाले जो भूत प्रेत हैं, वो देह अभिमानी पर अटैक करेंगे या जो विद्रूप स्टेज में टिका हुआ है उस पर अटैक करेंगे? है? हाँ जी, सूक्ष्म शरीर वाले जो भूत प्रेत हैं वो अटैक करते हैं जो बीज रूप स्टेज में नहीं है, क्योंकि बीज रूप स्टेज सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म है। इसलिए बाप कहते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को आत्मा समझो, अपन को बिंदु समझो। जो ध्यान देते हैं इस बात की गहराई पर वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जो अलबेले बन जाते हैं उन्हें अंत में पता चलेगा, जब सारी दुनिया में ताबड़तोड़ मौत का बाजार लगेगा, ढेर की ढेर अकाले मौतें होंगी, भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें गिरेंगी, कितनी अचानक मौतें होंगी। बोला है दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश होता है भूकंप से। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिसमें हजारों और लाखों लोग रहे पड़े हैं एक एक कॉलोनी में, वो ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। जब एटम बम फटेंगे तब भी ऐसा विनाश होगा। इतने सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत तैयार हो जाएंगे अचानक मौत लेने वाले। उनको आधार चाहिए कि नहीं, तो कहां जाएंगे? है? सारी दुनिया तो काल के गाल में जाने वाली है, सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली है, भूत प्रेत बनने वाले हैं, मुट्ठी भर बच्चे हैं बाबा के, जिनको बाबा रोज रोज पढ़ाता है क्या, अपन को आत्मा समझो, तब पता चलेगा कि अपन को आत्मा समझने की कितनी वैल्यू है। अभी तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। बाप तो कहते हैं अमृत वेला फाउंडेशन पक्का करो, सारे दिन का फाउंडेशन वेला है अमृत वेला। अगर आधा पौना घंटा भी बिंदु रूप स्टेज बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो सारा दिन अवस्था ऑटोमेटिक बढ़िया बढ़िया बनी रहेगी, भूत प्रेतानी आत्माओं का असर ही नहीं होगा, प्रवेश नहीं कर सकेंगी, लाख चक्कर काटती रहें। लेकिन अमृत वेले पर ध्यान जा रहा है। मुरली में बाबा बोलता रहता है अमृत वेला सुधारा तो सब कुछ सुधर जाएगा, एक कान से सुना दूसरे कान से रोज का रोज निकाल देते।
अंत में जब मौत का बाजार लगेगा तब इस बात की वैल्यू का पता चलेगा। किस बात की वैल्यू का? अपन को आत्मा समझने की वैल्यू का। फिर कहेंगे अब्बा खेचो, अब नहीं मेरे से कंट्रोल होता। बाबा एडवांस पार्टी में जो अभी शरीर छोड़ रहे हैं उनका वो 63वां जन्म है या 84वां जन्म है? बाबा का भर्ती करने के बाद ज्ञान में भी अच्छा चलते हैं फिर भी शरीर छोड़ने के कुछ कारण है? कारण जो भी शरीर छोड़ने वाले हैं एडवांस में कहेंगे उनका 84वां जन्म पूरा हुआ, अगला जन्म जो उनको मिलेगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, वो 84वां भी होगा और फर्स्ट जन्म भी होगा, क्योंकि उसी शरीर से उनको कंचन काया बनानी है। तो बाबा अभी हम लोग जो एडवांस पार्टी में है दोबारा जन्म लेकर आए हैं, तो ये पिछले वाला भी हमारा 84वां जन्म था और ये भी हमारा 84वां जन्म है। पिछला वाला जैसे ब्रह्मा के लिए कहा जाता है 60 वर्ष की वानप्रस्थ में प्रवेश करता हूँ, तो 60 वर्ष की ये वानप्रस्थ अवस्था पूरी नहीं हुई। ब्रह्मा की आयु कितनी होनी चाहिए? है 100 साल। तो वो 100 साल अगले जन्म में पूरा करना पड़े, वो आयु ऐड हो जाती है। इसलिए 84वां जन्म भी है और वो फर्स्ट जन्म भी है। तो बाबा अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं ये अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है या हम लोग को इसे शरीर छोड़ना पड़ेगा? भक्ति मार्ग के संस्कार रहेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति मार्ग के संस्कार त्यागने के संस्कार हैं तो शरीर क्यों छोड़ना पड़ेगा? और बाबा आदि में दो मंडलियां थी, एक ओ मंडली एक अंतिम है। ओ मंडली अंतिम बोलते हैं अरबी, एंटी एंटी माने विरोधी, ओम मंडली और अंति ओम मंडली का मेन, अंति ओम मंडली का मेन कौन थे? ओम मंडली किसको कहेंगे? ओम मंडली का ऐसा है, ओम मंडली का मुखिया को, अंति ओम मंडली का मुखिया ने मार दिया और लास्ट दिन ऐसा बात। ओम मंडली किसे कहा जाता है? आदि में जो ओम मंडली थी वो आदि में ही बिखर गई, नई दुनिया की शुरुआत कौन सी मंडली से होती है? है ओम मंडली से। और पुरानी दुनिया का अंत काय से होगा? उसी से होगा जो आदि सो अंत। तो आदि में ही दोनों काम हो गए, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। स्थापना हुई थी तो आ उ मा औम तीनों मौजूद थे, तीनों संगठित थे। फिर जब आदि में विनाश हुआ तो बोला अव्यक्तवाणी में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने, बिखराव हो गया। पहले मां निमित्त बनी, कौन सी मां? बड़ी मां निमित्त बनी,
जो आदि में निमित्त बनी वो आदि सो है अंत में भी निमित्त बनती है। आसार नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से बिना ज्वाला प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, फिर पीछे पीछे बाप। कोई कोर्ट में हमारे खिलाफ केस कर दे तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? है चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो वारंट निकल जाएगा, सजा हो जाएगी। इसलिए मां निमित्त बनती, पीछे पीछे बाप भी चलता। और बच्चों ने क्या किया है? माँ बाप तो आपस में झगड़ गए और बच्चों ने क्या किया है? माँ को सपोर्ट किया। तो चाहे इस्लामी बच्चे हो, चंद्रवंशी बच्चे हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म वंश के बच्चे क्यों न हो, ब्राह्मणों की दुनिया में, और सारों ने ही मां को सपोर्ट किया। आदि में भी सपोर्ट किया, अंत में भी सपोर्ट करेंगे। आदि में भी बाप गुप्त हो गया, अंत में भी परीक्षा लेने के लिए बाप गुप्त हो जाएगा। जब परीक्षा होती है तो परीक्षा लेने वाला सामने आकर के जवाब देता है क्या? है नहीं देता। आदि में भी गुप्त हुआ, अंत में भी गुप्त होगा, तो बच्चों के पास क्या रह जाएगा? है क्या रह जाएगा? माँ रह जाएगी। बाप की याद नहीं रह जाएगी, क्या रह जाएगी? माँ रह जाएगी। तो माँ की गोद में आराम से समा जाएंगे। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो बाप के पीछे पीछे जाएंगे। जो सितारे होते हैं, जो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में छिपाए देते हैं, सूर्य का मान मर्तबा बढ़ाते हैं, अपने मान मर्तबे की परवाह नहीं करते, वो सूर्य के पीछे पीछे चले जाते हैं। बाकी चंद्रमा को फॉलो करते हैं। वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं या नहीं करते हैं? जो चंद्रमा रूपी अम्मा को फॉलो करते हैं, मां काली के भी मस्तक में चंद्रमा तो दिखाते हैं कि नहीं? तो जो चंद्रमा को फॉलो करते हैं वो सितारे अपने को प्रत्यक्ष करते हैं या नहीं करते हैं? अरे अरे करते हैं। उनके अंदर ललक रहती है कि हमारा भी मान मर्तबा हो। नहीं तो जो सच्चे बच्चे होते हैं वो बाप को फॉलो करते हैं, बाप की मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं। बाप के कुल का नाम बाला करते हैं कि अम्मा के कुल का नाम बाला करते हैं? है बाप के कुल का नाम बाला करते हैं। यहां भी ऐसे ही है।
ऐसे बहुत बच्चे थोड़े हैं, 5 पांडव निकलेंगे। ओम शांति।